केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। यह एक गोलाकार संरचना है जो कोशिका के बीच में स्थित होती है। केंद्रक में डीएनए होता है जो जीव के सभी गुणों को निर्धारित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। केंद्रक के बिना कोशिका अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर सकती। यह कोशिका विभाजन और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक में न्यूक्लियोलस भी होता है जो राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा केंद्रक कोशिका के आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षित रखता है और उसे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इस प्रकार केंद्रक कोशिका के जीवन और कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रक लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। पौधों, जानवरों, कवक और प्रोटोजोआ जैसी सभी बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित और प्रबंधित करता है। यह कोशिका विभाजन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक के बिना कोशिका अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर सकती, इसलिए यह कोशिका के जीवन के लिए अनिवार्य है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का होना उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है जिनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री ने 1831 में की थी। उन्होंने ऑर्किड के पौधे का अध्ययन करते हुए केंद्रक को पहली बार देखा और इसका वर्णन किया। सरल शब्दों में केंद्रक कोशिका का दिमाग है। यह कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है। इसमें डीएनए होता है जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और नियंत्रित करता है। लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, चाहे वे पौधे हों या जानवर। केंद्रक कोशिका के विकास और कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, जिससे कोशिका जीव विज्ञान में एक नई दिशा मिली। केंद्रक के बिना कोशिका अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर सकती। यह कोशिका विभाजन और वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ एक चित्र है जो केंद्रक को दिखाता है। क्या आप केंद्रक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।